सभी को अभी तक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और हमने कुछ ऐसा कहा था कि जैसे हम इन बटन पर क्लिक कर रहे हैं और इन बटन का टेक्स्ट यहाँ पर आकर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ऐसे ही हम चाहते हैं सर 4, 5, 6, 1, 2, 3 माइनस इनटू डिवाइड जीरो के केस में भी सेम वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने के लिए अब हमने कुछ ऐसा किया कि सेम कोड हम उन बटन के लिए भी करने वाले हैं, और हमने बिल्कुल ध्यान से यहां पर कुछ ऐसा किया कि यहां पर हमने पास कर दिया कितना 4 और बटन नंबर 5। नेक्स्ट हमने यहां पर बटन नंबर 6 के लिए बटन नंबर 6 और यहां से हमने पास कर दिया 5। हालांकि कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल ही है, बस ये है कि आपको इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। 7 के केस में हमने यहां पर पास कर दिया 6। नेक्स्ट हमारे पास है बटन नंबर 8 और यहां से हमने पास कर दिया माइनस और बटन नंबर 8। करेक्ट, एग्जाम्पल को चलो इतना रन करके चेक करते हैं। और देखिए 4, 5, 6, -9 ये पूरा वर्क कर रहा है। अब हम सैम चाहते हैं 1, 2, 3 और इनटू के लिए। करेक्ट, ऐसा करने के लिए हमने यहां पर बटन नंबर 9 के लिए कोड करना स्टार्ट किया और बटन नंबर 9 यहां से हमने पास कर दिया कितना 1। नेक्स्ट हमने बटन नंबर 10 और यहां से हमने पास कर दिया 2। नेक्स्ट हमने बटन नंबर 11 और यहां से हमने पास कर दिया 3। नेक्स्ट बटन नंबर 12 और यहां से हमने पास कर दिया इनटू। चलिए इतना प्रोग्राम फिर से रन कर एक बार चेक करते हैं। और 1, 2, 3, 6, 5, 4। ठीक है सर, इतना बिल्कुल यहां पर क्या कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। जीरो और डिवाइड इन दोनों बटन के लिए भी हमें कोड करना है। और ऐसा करने के लिए आगे हमने कुछ ऐसा किया कि जो हमारा बटन है सर, बिल्कुल ध्यान से जीरो वाला पूछिए, बटन नंबर 14 और यहां से हमने कितना पास कर दिया 0। और नेक्स्ट जो बटन है हमारे पास बटन नंबर 16 और यहां से हमने पास कर दिया डिवाइड। ओके डन। अब फिर से हमने इस एग्जाम्पल को यहां पर रन कर दिया और अभी यहां पर 1, 0 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है सर, ये बिल्कुल यहां पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है 3। लेकिन अब हम ऐसा चाहते हैं कि दो बटन का कोड बस बचा है हमारे पास, कि यदि हम इस सी वाली बटन पर क्लिक करते हैं तो यहां का पूरा कंटेंट क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। और यदि हम इक्वल वाली बटन पर क्लिक करते हैं तो जो भी एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होकर उसका आउटपुट आकर इसी एंट्री पर क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट, जो भी एक्सप्रेशन है इस इक्वल वाली बटन पर क्लिक करने पर सॉल्व होकर उसका आउटपुट इसी एंट्री पर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो सभी लॉजिक लगाएंगे कि सर कैसे हम इस काम को करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में तो हम बिल्कुल इस चीज को एक्सप्लेन करने ही वाले हैं। हाँ जी।